हेलो एवरीवन, आज का हमारा सवाल है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। यहाँ पे देखिए, दो आपको मैच दो कॉलम करना है, दो लिस्ट दिया, लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन में कोक, डायमंड, फुलरिन और ग्रेफाइट है जो कि कार्बन के एलोट्रॉप्स ही हैं, और लिस्ट टू में उनसे जुड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। आपको यहाँ पे सही मैच करना है। तो इसमें से कोक इस चार में से कौन सा ऑप्शन होगा, चलो चेक करते हैं। तो कोक कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिड, यूज एज अ डाई ल्यूब्रिकेंट, यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, केक लाइक स्ट्रक्चर। देखो जो कोक होता है ना, उसको हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे मेटलर्जी में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कोक आपका काफी सस्ता होता है एंड इट कैन रिड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ठीक है ना। जैसे कार्बन है, कोई भी मेटल ऑक्साइड होता है तो इसको बहुत इजिली रिड्यूस कर देता है। जैसे ये कार्बन ऑक्साइड या डाइऑक्साइड जो भी बना है, और ये मेटल को यहाँ से सेपरेट कर देता है। ये मेटल ऑक्साइड है तो मेटल को यहाँ से रिप्लेस करके कार्बन खुद आ जाता है। तो इस तरह से आपका जो कोक है वो आपका यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डायमंड, तो डायमंड कार्बन एटम और sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो यार देखो, डायमंड का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो डायमंड में हम लोग क्या देखते हैं कि इट फॉर्म्स थ्री डायमेंशनल जॉइंट स्ट्रक्चर, और इसमें हर एक कार्बन जो है वो चार अदर कार्बन एटम से जुड़ता चला जाता है टेट्राहेड्रली। तो इस तरह से आपका जो डायमंड होगा, इसमें देख लो हाइब्रिडेशन किसी भी कार्बन का चेक कर लो, एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, तो इसलिए बी का वन हो जाएगा। सी फुलरीन, तो फुलरीन देखो यार, आपका कार्बन एटम्स और sp3 हाइब्रिडाइज, ड्राई ल्यूब्रिकेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, केज लाइक स्ट्रक्चर। तो फुलरीन में क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखिए यार, इसका डोम शेप होता है बिल्कुल गोल, फुटबॉल शेप, सॉकर शेप बोलते हैं, तो इसलिए केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा फुलरीन का। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट, बहुत ही कॉमन यूजेस है ग्रेफाइट का ये, ठीक है। तो इसलिए जो डी है इसका ट्रू हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर चेक कर लो यार क्या सही होगा। ए का थर्ड है, बी का वन है, सी का फोर है और डी का टू है। ये ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो था सही ऑप्शन था वो है ऑप्शन थर्ड। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।